बच्चों चलते हैं शुरू करते हैं MCQs ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इस टॉपिक में कुछ क्वेश्चंस में प्रिंटिंग मिस्टेक है, कुछ क्वेश्चंस में क्या है प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो जहां पर मैं बोलूं ये चीज चेंज कर देना कर देना, राइट। जिनको ये वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उनकी टेक्स्ट बुक में ये चेंज किया हुआ होगा, तो आप चेंज मत करना, क्योंकि अब तो मैं चेंज कर दूंगा ना, मिस्टेक है तो एग्रीड। तो जिनको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे उसमें ये चेंज किया हुआ ऑलरेडी होगा, तो आप मत ढूंढना कि कहां पे क्या चेंज करना है, ठीक है। तो चलिए आइए, पहला MCQ आपके लिए, ये रहा आपकी सेवा में। गुड्स परचेस्ड फ्रॉम ए फॉर ₹10,000 पास्ड थ्रू सेल्स बुक, द एरर विल रिजल्ट इन, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड द एरर विल रिजल्ट इन। पहली बात जो करनी है हमको इस क्वेश्चन में वो ये करनी है, एग्जामिनर पूछ क्या रहा है कि वो ये पूछ रहा है कि रेक्टिफिकेशन करने के बाद में कितना प्रॉफिट पर इंपैक्ट आएगा, ये पूछ रहा है क्या? नहीं, वो ये पूछ रहा है कि एरर हो जाने से कितने का प्रॉफिट में इंपैक्ट आ रहा है। समझ में आ रही क्या सरकार? कल तुम मुझे क्वेश्चन पूछ रहे थे, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं जब जीपी का क्वेश्चन होता है, तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक, एरर के वजह से प्रॉफिट पर कितना इंपैक्ट आ रहा है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है कि एरर रेक्टिफाई हो गया, अब प्रॉफिट पर कितना इंपैक्ट आ रहा है। यह क्वेश्चन था कि द एरर विल रिजल्ट इन, मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन, लिखो बिफोर रेक्टिफिकेशन। बिफोर रेक्टिफिकेशन, एम आई कम्युनिकेटिंग? अगर बिफोर रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन रहा, तुमने कुछ नहीं सोचना, क्या करना, सिर्फ रॉन्ग एंट्री करने की कोशिश करो। क्या करोगे? रॉन्ग एंट्री। आफ्टर रेक्टिफिकेशन बोला तो किसकी एंट्री करने की कोशिश करोगे? रेक्टिफिकेशन। ये रूल है, आगे आएंगे कुछ क्वेश्चन जब कहा क्वेश्चन पूछे आफ्टर रेक्टिफाइंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट। सो आफ्टर रेक्टिफिकेशन अगर रहा तो रेक्टिफिकेशन एंट्री करोगे, बिफोर रेक्टिफिकेशन रहा तो रॉन्ग एंट्री करोगे। तो देखते, गुड्स परचेज फ्रॉम ए फॉर ₹10,000 पास्ड थ्रू सेल्स बुक, तो एंट्री क्या हो गई बेटा? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना हो गया बेटा जी? ₹10,000। एम आई कम्युनिकेटिंग? पार्टी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। बेटा एरर में सेल्स क्या हो रहा है? क्रेडिट। सेल्स किधर का आइटम है? ट्रेडिंग अकाउंट। बोलो हां, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। सो क्या हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एक्स्ट्रा आइटम। अगर क्रेडिट हुआ तो प्रॉफिट बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है। इसका मतलब यह हुआ बेटा कि अगर मैं ट्रेडिंग एंड पे एंड अकाउंट बनाऊं, एग्रीड, तो प्रॉफिट, मतलब जो क्रेडिट हो उससे क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा, और जो डेबिट करूं तो उससे क्या होगा बेटा? प्रॉफिट कम होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब तुमको इतना तो पता है कि सेल्स कहां पर लिखेंगे बेटा? सेल्स क्रेडिट हो रहा है तो सेल्स कहां पर लिखेंगे आप? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि नहीं? यस। सो व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? इंक्रीज इन जीपी। बट कान खोलकर सुन लो गांव वालों, अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता आफ्टर रेक्टिफिकेशन व्हाट विल हैपन, देन द आंसर वुड हैव बीन डिक्रीज इन प्रॉफिट। समझ में? तो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक बिफोर रेक्टिफिकेशन एंड द अदर वन इज आफ्टर रेक्टिफिकेशन। ये किसका था? बिफोर रेक्टिफिकेशन का। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर टू आपकी सेवा में ये रहा। इफ परचेस रिटर्न ऑफ 1000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन सप्लायर्स अकाउंट, द टोटल ऑफ द, आगे का ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन है ऐसा है। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अब क्या बोल रहे, इफ द परचेस रिटर्न ऑफ 1000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न अकाउंट बट हैज बीन करेक्टली एंटर्ड इन द सप्लायर्स अकाउंट द टोटल ऑफ द, मतलब ये क्वेश्चन किसका है कि ट्रायल बैलेंस का टोटल क्या होगा इस एरर के बाद में। कोई बात नहीं, आप एक सिंपल सा काम कर सकते हो क्या? एरर क्रिएट कर सकते हो क्या? चलो एरर क्रिएट करते हैं। एरर क्या होगा? तो बेटा परचेस रिटर्न ऑफ 1000 हैज बीन रॉन्गली पोस्टेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, तो बेटा मैं क्या करूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। हा या नहीं? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 1000। और बेटा पार्टी को क्या हुआ है? सप्लायर अकाउंट बराबर से हुआ है। बेटा परचेस रिटर्न की एंट्री क्या होती है? पार्टी अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। परचेस रिटर्न को तो गया नहीं, वो कहां चला गया? सेल्स रिटर्न। और बेटा
मैं क्या करूंगा, पार्टी अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट बेटा 1000, एग्रीड। क्रेडिट कुछ हुआ है क्या? नो क्रेडिट। अगर बेटा मैं इस एंट्री का ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तो बेटा डेबिट और क्रेडिट मैं क्या लिखूंगा इधर, सेल्स रिटर्न हाउ मच 1000, मैं क्या लिखूंगा पार्टी कितना 1000। अब तुम मुझे बताओ क्या आंसर होना चाहिए, ट्रायल बैलेंस वुड शो डेबिट बैलेंस ऑफ 1000 मोर देन द क्रेडिट, नहीं क्रेडिट में तो जीरो है, कितने से क्रेडिट से ज्यादा है 2000, क्रेडिट के कंपैरिजन में बैलेंस कितना ज्यादा है 2000, तो पहला वाला आंसर नहीं हो सकता, दूसरा वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 1000 बोल रहा है। अब क्या, द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस विल बी 2000 मोर देन द क्रेडिट साइड, द आंसर इज यस। सो व्हाट इज द राइट आंसर माय डियर फ्रेंड, सी, ये रहा सी, ये देखो सी, एग्रीड। तो कैसे किया मैंने, मैंने वो रॉन्ग एंट्री की, रॉन्ग एंट्री कर उससे ट्रायल बैलेंस बनाया सिर्फ उसी एक एंट्री का और उससे मुझे आंसर पता चल गया, एग्रीड। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 आपकी सेवा में, ये रहा, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट और इट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज एरर ऑफ कमीशन, ये तो सीधा सा एरर ऑफ कमीशन। क्वेश्चन नंबर 4th आपकी सेवा में, 200 पेड एज वेजेस फॉर इरेक्टिंग मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू मशीन अकाउंट, एम आई कम्युनिकेटिंग, यस इट इज मशीन अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, गुड्स वर्थ ₹50 गिवन एज ए चैरिटी शुड बी क्रेडिटेड टू, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्या, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेसेस ऑब्लिक ट्रेडिंग अकाउंट, एम आई कम्युनिकेटिंग बेटा, बेटा अमाउंट बताओ 50 50, तो इसका आंसर ये रहा, सही है। अगला 6th क्वेश्चन, एरर ऑफ कमीशन डू नॉट परमिट, डू नॉट परमिट मतलब एरर ऑफ कमीशन के वजह से ये चीजें नहीं होती, पहला वाला क्या, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस, द ट्रायल बैलेंस टू एग्री एंड नन ऑफ द अबव। माय डियर फ्रेंड्स, एरर ऑफ कमीशन में कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली होता है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, कभी कभी बैलेंस शीट की टोटल भी करेक्ट आ जाती है। कब देखो, रीमा अकाउंट का डेबिट हमने सीमा अकाउंट को कर दिया, फर्क क्या पड़ेगा, सिर्फ नाम चेंज होगा, टोटलिंग तो बराबर आएगी बैलेंस शीट की। दूसरा क्या, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस आ सकता है, मान लो शीला अकाउंट को डेबिट करना था, हमने लीला अकाउंट को डेबिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस की टोटल बराबर आएगी क्या नहीं आएगी, आएगी। और द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, ट्रायल एरर ऑफ कमीशन में कई सारे एरर्स ऐसे हैं कि जिसमें ट्रायल बैलेंस एग्री करता है, कुछ एक एरर्स में नहीं करता, कब नहीं करता है कि अगर तुमने रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी तो, राइट, तो उसमें आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है। तो बेटा इस केस में क्या है कि ये तीनों ही ऑप्शंस एरर ऑफ कमीशन में सही से होते हैं, बहुत बार और बहुत बार नहीं होते, तो मैं तीनों में से कोई एक सिलेक्ट नहीं कर सकता, यू गेटिंग माई पॉइंट, क्योंकि ये तीनों ही चीजें सही आती है, एरर ऑफ कमीशन होने के बावजूद भी ये तीनों चीजें सही होती है। मैंने तीन एरर ऑफ कमीशन किया, लीला का गया शीला में, बैलेंस शीट बराबर से टैली होगी, लीला का गया शीला में ट्रायल बैलेंस भी टैली होगा। तो ये क्या बोल रहे, डू नॉट परमिट करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, नहीं, इट कैन परमिट करेक्ट टोटलिंग ऑफ बैलेंस शीट, इट कैन परमिट करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, इट कैन अलाउ द ट्रायल बैलेंस टू एग्री। सो व्हाट इज द राइट आंसर, नन ऑफ द अबव, एग्रीड। अब ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन का आंसर मैंने क्या दिया पता है क्या, मैंने 100% राइट दिया गया आंसर नहीं, ये अभी के सिनेरियो में मैक्सिमम कौन सा राइट है, तो ये वाला आंसर राइट है, नन ऑफ द अबव। मगर ऐसा हो सकता है कि अभी मैं उल्टे तरीके से बात कर रहा हूं, एरर ऑफ कमीशन में कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, हो सकता है, हो सकता है कि अगर मान लो पोस्टिंग उल्टे साइड में कर दी, जैसे अभी पिछला प्रॉब्लम था, सेल्स रिटर्न के भी डेबिट में किया था, राइट, और पार्टी अकाउंट के भी कौन से साइड में किया था, डेबिट साइड में, तो उस केस में जो आप बोल रहे हो बिल्कुल सही है कि ट्रायल बैलेंस शायद टैली नहीं होगा। मगर अभी इसमें के इस क्वेश्चन के लिए मेरा सबसे सही आंसर है नन ऑफ द अबव इस क्वेश्चन के लिए। चलते अगला क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज फॉर लोकेटिंग क्लेरिकल एरर्स, राइट, सो द राइट आंसर इज सी, लोकेटिंग क्लेरिकल एरर्स। क्वेश्चन नंबर 8th ये रहा आपके सामने,
purchase of office furniture ₹1200 has been debited to general expense account. It is what? Error of principal. हाँ जी, सेवेंथ क्वेश्चन वापिस लूं। सेवेंथ क्वेश्चन ये पूछ रही है कि सर ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं है। बेटा एरर ऑफ कमीशन ट्रायल बैलेंस से पता नहीं चलता है। लीला का शिला में गए ट्रायल बैलेंस से कैसे पता चलेगा? ट्रायल बैलेंस तो टैली हो जाएगा ना। जहां पे टैली नहीं हुआ ट्रायल बैलेंस, वहां पर तुमको पता चलेगा कि ट्रायल बैलेंस से वो एरर पता चला। तो क्लरिकल एरर कैसे हो सकता है? 10,000 लिखना था, 100 लिख दिया, 1,000 लिख दिया, तो ये एरर तो पता चल जाएगा ना एक साइड में। इसलिए इसमें दूसरा कोई भी आंसर नहीं हो सकता। इट इज क्लरिकल एरर्स ओनली। ये एरर ऑफ प्रिंसिपल था, राइट? क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 आपकी सेवा में। द गुड्स सोल्ड फॉर ₹900 बट द अमाउंट वॉज एंटर्ड इन सेल्स अकाउंट एज ₹1080 ऑन रेक्टिफिकेशन। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ऑन रेक्टिफिकेशन। बिफोर रेक्टिफिकेशन पूछा है क्या? नहीं। ऑन रेक्टिफिकेशन सस्पेंस अकाउंट विल बी। अब बेटा सस्पेंस अकाउंट बोला है तो अपने को सस्पेंस अकाउंट के हिसाब से एंट्री करनी पड़ेगी और आपको ये अज्यूम कर चलना पड़ेगा कि ये सिंगल साइड एरर है। आप ये नहीं बोल सकते सर वर्ड एंटर्ड है, मैं तो डबल साइड ही पकड़ूंगा, दूंगा एक बजा के। बोल रहे हैं ना सस्पेंस अकाउंट को क्या इंपैक्ट आएगा। एंटर्ड होने के बावजूद वर्ड क्या यूज किया गया? सस्पेंस अकाउंट को क्या इंपैक्ट आएगा? तो आपको क्या अज्यूम करना पड़ेगा? पहली बात, ये सिंगल साइड एरर ही है। अब मुझे बताओ सेल कितने का है बेटा? 900 का है क्या? सेल हो गया कितना है? 1080। जब ज्यादा अमाउंट हो जाती है तो हम उसको क्या करते हैं? रिवर्स। जल्दी से पूरी क्लास बताए कि सेल्स को कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। ज्यादा हो गया तो क्या करूं? रिवर्स। क्या करूंगा? डेबिट। कितना अमाउंट आएगी? सेल्स अकाउंट डेबिट। बोलो कितना आएगा बेटा? 180 टू सस्पेंस अकाउंट। तो बताओ मुझे सस्पेंस अकाउंट वुड बी व्हाट? क्रेडिटेड विथ व्हाट? 180। वेरी गुड। क्रेडिटेड विथ ₹180। लवली। अगला क्वेश्चन आपकी सेवा में ये रहा। 25,000 रिसीव्ड फ्रॉम अदिति इज क्रेडिटेड इन द अकाउंट ऑफ प्रेरणा। इट इज एन एरर ऑफ कमीशन। ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना। यहां पर अदिति से पैसे आए, प्रेरणा को डाले, एरर ऑफ कमीशन। अगर अदिति को सैलरी दी, अदिति को क्या दी? सैलरी। और वो डेबिट किया अदिति को, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैं वापस बोल रहा हूं, सैलरी की एंट्री बोलो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। अगर इसकी एंट्री हो गई, सैलरी को डेबिट नहीं किया, इसी की एंट्री हो गई, अदिति अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, एरर ऑफ प्रिंसिपल। मगर अदिति को डेबिट करना था, राइट? कैश रिसीव फ्रॉम अदिति, सॉरी क्रेडिट करना था, कैश अकाउंट डेबिट टू अदिति। तुमने अदिति की जगह पे प्रेरणा कर दिया, मतलब पर्सनल का पर्सनल अकाउंट ही रहा। अदिति का प्रेरणा में गया, अदिति का चंपा में गया, अदिति का लीला में गया, अदिति का मोहिनी में गया, अदिति का आनंद में गया। अगर पर्सनल का पर्सनल में गया ना बाबू, तो वो क्या हुआ? एरर ऑफ कमीशन। मगर अगर मान लो नॉमिनल अकाउंट का पर्सनल अकाउंट में गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल। समझ में आई ना बात? ध्यान में। तो सैलरी पेड इफ इट इज डेबिटेड टू अदिति अकाउंट, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल। लिख लो बाबू, लिख लो। सैलरी पेड डेबिटेड टू अदिति, सैलरी पेड डेबिटेड टू अदिति, क्या बोलोगे? एरर ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, ये कौन सा एरर है बेटा जी? ये तो बियॉन्ड डाउट पर्सनल का पर्सनल में गया, तो क्या है? एरर ऑफ कमीशन। सही है ना? क्वेश्चन नंबर 11 आपकी सेवा में। सस्पेंस अकाउंट इज व्हाट? मैंने पहले ही बता के रखा, इट कैन बी एनी ऑफ द अबव, पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट। इसका दूसरा आंसर यह भी हो सकता है, असेट, लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। इट कैन बी एनीथिंग मॉडर्न अप्रोच से। क्वेश्चन नंबर 12। अ चेक ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम युवराज एंड कंपनी वॉज डिसऑनर्ड एंड डेबिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट।
ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड ड्यू टू रेक्टिफिकेशन ऑफ दिस एरर, कौन सी एंट्री पास करोगे, रॉन्ग एंट्री या करेक्ट एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री, समझ में आ रहा है ना, दिस क्वेश्चन इज आफ्टर रेक्टिफिकेशन. So let's pass the rectification entry. Check of 500 received from Yuvraj and Company was dishonored and debited to discount account. तो मैं तुम्हारे सामने कर देता हूं करेक्ट एंट्री, पूरा डिटेल में करता हूं. ये क्या एंट्री होनी चाहिए थी बेटा, Yuvraj account debit टू क्या होना चाहिए, ओ ओ ओ चेक ऑफ 500 received from Yuvraj and Company was dishonored and debited, नहीं बराबर कर रहा हूं मैं, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए, Yuvraj account debit टू बैंक अकाउंट, कितना 500 रॉन्ग एंट्री क्या हो गई है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, सही है ना 500. ए सांबा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी रे, Yuvraj टू डिस्काउंट. बेटा जब भी आपको पता करना है कि प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट हुआ, मैंने कल आपको क्या बताया था, वही आइटम को ढूंढो जो नॉमिनल अकाउंट है या जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जाते हैं. क्या Yuvraj ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जाता है क्या, नहीं राइट. तो बेटा कौन जाता है, डिस्काउंट जाता है क्या, हाँ डिस्काउंट. अभी कौन से साइड में लिखेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो कहां पर लिखेंगे, नॉमिनल अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस मतलब पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में, से यस पीएनएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते ही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. सो प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय हाउ मच, 500. Shall I repeat the explanation? Please remember what I'm trying to say. Slow and steady. कोई लिखेगा नहीं, सभी का ध्यान इधर. एकदम सिंपल, एकदम ही सिंपल. करना क्या है पहले, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की. सर रेक्टिफिकेशन क्यों पास किया आपने, क्योंकि बोला ऑन रेक्टिफिकेशन, इसलिए रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की. ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया. जो क्वेश्चन नंबर वन था वहां पर रेक्टिफिकेशन पास नहीं की थी, वहां पर कौन सा है, रॉन्ग एंट्री पास की थी, क्योंकि इस एरर के वजह से क्या हुआ, ऐसा क्वेश्चन था. अब रेक्टिफिकेशन किया बेटा, तो रेक्टिफिकेशन में आपको यह देखना है नॉमिनल अकाउंट है क्या, ढूंढो है क्या नॉमिनल अकाउंट. जैसे पिछले केस में एक अकाउंट था सेल्स, सेल्स में मानता हूं रियल अकाउंट है, मगर सेल्स कहां पे जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में. इन अदर वर्ड्स आपको यह ढूंढना है कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में कौन से आइटम जाते हैं. तो कौन सा आइटम जाता है, डिस्काउंट जाता है क्या रेक्टिफिकेशन एंट्री में, यस. अगर डिस्काउंट रेक्टिफिकेशन एंट्री में आ रहा है और वो अगर ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में जाता है तो कौन से साइड में जाएगा, कौन सा बैलेंस आ रहा है उसको यहां पर, क्रेडिट. मतलब पीएनएल अकाउंट के भी कौन से साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में. इफ इट गोज ऑन द पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड, माय डियर फ्रेंड, वेदर इट विल इंक्रीज माय प्रॉफिट और डिक्रीज माय प्रॉफिट, इंक्रीज माय प्रॉफिट. सो व्हाट इज द राइट आंसर, व्हाट इज माय राइट आंसर, इंक्रीज, इंक्रीज बाय हाउ मच रुपीज, 500. एम आई कम्युनिकेटिंग. अच्छा इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग तड़का देता हूं, सुनो ध्यान से. अगर मान लो रेक्टिफिकेशन एंट्री, मान लो अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है राइट, वेजेस अकाउंट डेबिट, अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री आती वेजेस अकाउंट डेबिट, ये मैं बोल रहा हूं मान लो ऐसा, वेजेस टू डिस्काउंट, बेटा इससे प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आता, नो इंपैक्ट. व्हाई, क्योंकि बेटा वेजेस भी नॉमिनल अकाउंट ट्रेडिंग का आइटम है और पीएनएल अकाउंट भी, ये डिस्काउंट भी किसका आइटम है, पीएनएल और ट्रेडिंग अकाउंट का. सो कोई इंपैक्ट आएगा क्या, नो इंपैक्ट, क्योंकि एक आइटम जाएगा डेबिट में और एक आइटम जाएगा क्रेडिट में, बोथ विल नॉक ऑफ, से यस. सो प्रॉफिट का इंपैक्ट पता करने के लिए आपको हमेशा क्या करना पड़ता है, नॉमिनल अकाउंट या जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जाते हैं ऐसे आइटम को ढूंढना पड़ता है. फिर पूछो अपने आप को कि वो कहां जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है कि डेबिट में. अगर क्रेडिट में गया ये, क्योंकि अगर इसको क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहां जाएगा, क्रेडिट में. डेबिट बैलेंस होगा तो कहां जाएगा, डेबिट में. जो क्रेडिट में गया तो बोलो प्रॉफिट बढ़ेगा, जो डेबिट में गया तो क्या बोलोगे, प्रॉफिट कम होगा. चलते हाँ हाँ, डिसऑनर के साथ क्या लेना देना है, कुछ भी नहीं. यू हैव टू ओनली वॉच द रेक्टिफिकेशन एंट्री इन दैट केस, दैट्स इट, नथिंग एल्स. द बिगिनिंग ऑफ द स्टॉक of the current year is overstated by rupees 500 and the closing stock is overstated by rupees 1200. Effect on profit will be, ये हम inventory में वापिस देखेंगे. जरा देखो, beginning of the stock is overstated, कितने से बेटा 500, और closing stock is overstated by how much, 1200. बताओ profit पर कितना impact आएगा. Opening stock इधर ही लिखते ना हम, अरे नलायक, कितना आ जाएगा 700. तुमको ऐसे क्वेश्चन तो मैं ऐसे हंसते खेलते करा दूंगा. देखो अब ओपनिंग स्टॉक के सारे क्वेश्चन कर ही लेते, अभी आया है तो कर ही लेते, ठीक है. ये प्रॉफिट का इंपैक्ट समझ में. अब मैं क्वेश्चन को चेंज करता हूं, इसका आंसर कितना है, प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, 700. ठीक है, ये क्या था, अरे नलायक तुमको इतना मारूंगा ना, हाँ ये क्या था, ओवरस्टेटेड था,
और ये भी क्या था, ओवरस्टेटेड। अब देखो मैं तुमको अंडरस्टेटेड बताता हूं, अगर अंडरस्टेटेड होता तो कैसे होता, ए सांबा सुन रहे ना तू, अगर अंडरस्टेटेड होता तो क्या करेंगे हम, से यस देखते। अब इसी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूं, वर्डिंग चेंज कर दिया, ओवरस्टेटेड की जगह पे क्या है अंडरस्टेटेड। एकदम इजी है, तुमको टेंशन लेना ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एकदम आराम से करना है, जैसे मैं बता रहा हूं सुन लेना। अंडरस्टेटेड है मतलब डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक ज्यादा गया है कि कम गया है, कम गया। क्या प्यारे बच्चे हो यार, तुम माइनस लिख देने का, माइनस लिख दिया 500, मेरी गलती नहीं है, बिल गेट्स की है, माइनस लिख दिया 500। और क्रेडिट में क्या लिख दूंगा, वहां पर भी अंडरस्टेटेड है ना, माइनस लिख दिया 1200। क्या गलत लिखा मिया, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड मतलब माइनस ही करना पड़ेगा ना, हाँ नहीं? क्या आप इसका बैलेंस निकाल सकते हो क्या? सर मेरे को नहीं जमता माइनस में, मेरे को बहुत बहुत डर लगता है सर। कोई बात नहीं, इसको रब करो, इधर लिख दो 1200 और इसको इधर लिख दो 500। सर इसका क्या करूं, अबे इसको रब कर अभी। अरे यार क्या मैं क्या अब मुझे बता क्या होगा, क्रेडिट में 500 और डेबिट में कितना आ रहा है 1200, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ेगा कि कम हो रहा है? कम हो रहा है, समझ रहे ना मियां? अब मान लो कि मैंने इसको अंडरस्टेटेड और इधर लिख दिया ओवरस्टेटेड का ओवरस्टेटेड, ठीक है, ये क्यों नहीं पहुंच रहा है? कब इसको क्या बोलेंगे अंडरस्टेटेड, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे ओवरस्टेटेड, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कुछ नहीं करना है, अंडरस्टेटेड होगा बेटा तो क्या करोगे, अंडरस्टेटेड होगा तो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा लिखा कि कम लिखा, इतना तो बता दो, कम, तो मैं लिख दूं क्या माइनस 500, बराबर है ना, डेबिट साइड में माइनस आएगा। और बेटा जी ये 1200 ओवरस्टेटेड तो 1200 क्रेडिट में लिख दूं क्या, बराबर है क्या? नहीं, यस yes. अब सर मेरे को नेगेटिव का नहीं समझ में आता, अरे बाद में जाने दे, इसको कैंसिल कर, इधर लिख दे 500 पॉजिटिव। अब बताओ प्रॉफिट इज ओवरस्टेटेड बाय रुपीज हाउ मच, 1700। लॉजिक इतना ही लगाना है, क्या पहले पूछो अंडरस्टेटेड है कि ओवरस्टेटेड? ओपनिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है तो नेगेटिव लिखो, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड है तो क्रेडिट साइड में लिखो नेगेटिव, एग्रीड? ओवरस्टेटेड है तो पॉजिटिव आइटम, इतना समझ में? सर मेरे को नेगेटिव समझ में नहीं आता, पहले नेगेटिव लिखकर फिर उसको उल्टे साइड में लिख दो, फिर अगर क्रेडिट बैलेंस आ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है तो लॉस आ रहा है, दैट्स इट। ओपनिंग स्टॉक के कोई भी टाइप के क्वेश्चन आने दो, इस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। इन्वेंटरी में हम वापस देखेंगे कि इसका इंपैक्ट ऐसा आया तो कितने से प्रॉफिट पर फर्क पड़ेगा, विल बी डूइंग इट, इज दैट ओके? यस, लेट्स गो अहेड। सो नाउ गोइंग अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, वी आर देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 14। अ मशीन वॉज परचेज फॉर 3000 विच वॉज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट, ड्यू टू दिस एरर ट्रायल बैलेंस विल शो द डिफरेंस बाय रुपीज 3000, दिखाएगा नहीं, रॉन्ग एंट्री क्या हो रही है, ड्यू टू दिस एरर, तो ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन बोल रहे हैं, बिफोर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन, ड्यू टू दिस एरर, इस एरर के वजह से क्या होगा, रेक्टिफिकेशन के बाद की बात नहीं चल रही है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, रॉन्ग एंट्री पास करनी पड़ेगी, रॉन्ग एंट्री करो, रॉन्ग एंट्री क्या होगा, परचेसेस टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कितना 3000, वर्डिंग क्या है बेटा जी, रिकॉर्डेड मतलब डेबिट और क्रेडिट में दोनों में क्या होगा, तो बेटा के ट्रायल बैलेंस विल शो द डिफरेंस ऑफ 3000, बकवास, ट्रायल बैलेंस विल नॉट शो द डिफरेंस 3000, सो द राइट आंसर इज व्हाट, बी, सही है ना, बी आंसर आया। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में, व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन रिटर्न इनवर्ड इज रॉन्गली एंटर्ड एज रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अब ये एरर आफ्टर रेक्टिफिकेशन पूछ रहे क्या, बिफोर रेक्टिफिकेशन, में बार बार यही पूछूंगा, बिफोर रेक्टिफिकेशन या आफ्टर रेक्टिफिकेशन, पूरी क्लास बोलेगी बिफोर, एम आई कम्युनिकेटिंग, बिफोर रेक्टिफिकेशन, तो बेटा मुझे बताओ क्या करना है, व्हाट विल बी द इफेक्ट व्हेन रिटर्न इनवर्ड इज रॉन्गली एंटर्ड एज रिटर्न आउटवर्ड बाय रुपीज 100, लिख दू क्या, ये क्वेश्चन में नहीं है, ये आप लिख दो बाय रुपीज 100, ऑफ रुपीज 100। आज मैं थोड़ा सा अलग बात करता हूं, थोड़ी सी अलग बात, ठीक है, रेडी हो ना? देखो रॉन्ग एंट्री आपको इमेजिन करना थोड़ी सी मुश्किल होती है,
क्योंकि मैंने ज्यादा फोकस किस पर किया, रेक्टिफिकेशन एंट्री से, ऐसे ही फोकस किया ना हमने। अरे किया कि नहीं किया गाड़ो बच्चों? हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको क्या सिखाया? जब डेबिट का आइटम क्रेडिट हो जाए तो इफेक्ट ऐड होता है। यहां पर रिटर्न इनवर्ड राइट मतलब क्या है? रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या है? सेल्स रिटर्न। अच्छा ये सेल्स रिटर्न है, इसको कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। इज रॉन्गली एंटर्ड, एंटर्ड वर्ड है, रॉन्गली एंटर्ड एज रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या? परचेस रिटर्न। मैंने आपको क्या पूछा? करेक्ट क्या है? करेक्ट क्या है? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। कैसे एंट्री सिखाई थी? रेक्टिफिकेशन। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हाउ मच? 100। परचेस रिटर्न अकाउंट डेबिट कितना? 100। टू सस्पेंस नहीं नलायको पार्टी होपलेस चैप। जब देखे तो मैंने गाड़ो बच्चे की जैसे बातें करते, बुक्स में हेरा फेरी होता है, मैंने सस्पेंस अकाउंट यूज नहीं किया था, जाके चेक कर लो। ये इंटर बुक ट्रांजेक्शन हुई थी, याद आ रहा है क्या? तो बेटा 200 टू पार्टी अकाउंट 200। अब मुझे बताओ ये रेक्टिफिकेशन एरर है ना, ये रेक्टिफिकेशन हुआ, रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब बिफोर रेक्टिफिकेशन अभी जो हो रहा है उसका उल्टा हुआ होगा। से यस। अरे बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा? कुछ तो उल्टा हुआ होगा ना। से यस। सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इट हैपेंड। अभी ये दोनों आइटम कहां के? ट्रेडिंग अकाउंट के है क्या बेटा? इनको क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है क्या? तो बेटा अगर डेबिट हो रहा है मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट क्या हो रहा है? कम हो रहा है। मतलब आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट कम हो रहा है, तो बिफोर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट क्या हो रहा होगा? अभी आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है ना, दोनों ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम है। सेस। और उनको डेबिट हो रहा है। तुमको तो रूल सिंपल है यार, ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का कोई भी आइटम मिला अगर उसको डेबिट हो रहा है मतलब प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर क्रेडिट हो रहा है तो मतलब क्या हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। जैसे सेल्स को डेबिट हो रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है ना, तो प्रॉफिट कम हो रहा है। जैसे परचेस को क्रेडिट हो रहा है तो क्या हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है। मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के कोई भी आइटम आपको मिल जाए, पूछो उसको क्या हो रहा है तुझे, अगर डेबिट हो रहा है तो प्रॉफिट कम हो रहा है, अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा है। कोई भी आइटम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का, इनकम और एक्सपेंस का कोई वास्ता नहीं है। से यस। तो बेटा अब इसमें जो सेल्स रिटर्न है और जो परचेस रिटर्न है, ये ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है कि नहीं है? है। क्या हो रहा है इसको? डेबिट। प्रॉफिट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? कम हो रहा है। ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? What will be the effect when this has happened? Question में क्या पूछा है? Before rectification. क्या आंसर आएगा? Before rectification. समझे क्या? ये क्वेश्चन सबसे ट्रिकी होते हैं हैंडल करने के लिए, तो लिख लो इसका एक्सप्लेनेशन, मैं डिक्टेट भी करूंगा। ये लिख लो जितना मैंने लिखा है इधर, ये लिख लो और फिर मैं आपको बताता हूं। राइट। स्टेप वन फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ द क्वेश्चन, या ऐसा नहीं, फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ द इफेक्ट इज टू बी फाउंड आउट, फर्स्ट आइडेंटिफाई इफ द इफेक्ट इज टू बी फाउंड आउट बिफोर रेक्टिफिकेशन और आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर रेक्टिफिकेशन और आफ्टर रेक्टिफिकेशन। पहला मुद्दा यह है, क्या पूछा है? बिफोर रेक्टिफिकेशन पूछ रहे या आफ्टर रेक्टिफिकेशन पूछ रहे? ये बात तय हुई, ठीक है। राइट डाउन द पॉइंट नंबर टू। एक बार ये होने के बाद में क्या करना? स्टेप नंबर टू, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री, पास रेक्टिफिकेशन एंट्री। राइट, राइट डाउन स्टेप नंबर थ्री, identify the items related to trading and P&L account, identify the items related to trading and P&L account। ऐसे आइटम को ढूंढ के निकालो जो ट्रेडिंग और P&L account से रिलेटेड है। अब सिंपल सा इफेक्ट है, तुमने रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की थी ना, राइट। अब रेक्टिफिकेशन एंट्री में तुमको क्या मिलेगा मैं बता रहा हूं, कोई लिखेगा नहीं सिर्फ देखेगा, रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन, ओके।
रेक्टिफिकेशन में आपको दो चीजें मिलेंगी, राइट, ट्रेडिंग अकाउंट, या मैं ऐसे कर देता हूं, कौन से अकाउंट मिलेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को अफेक्ट करने वाले, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट आइटम्स। अब इसको क्या होगा, दो ही चीजें हो सकती हैं इनको रेक्टिफिकेशन में, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब मैं इधर लिखता हूं, अगर आफ्टर रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन है, आफ्टर रेक्टिफिकेशन अगर डेबिट हुआ तो प्रॉफिट कम होगा, अगर आफ्टर रेक्टिफिकेशन और क्रेडिट ही हो रहा है, मतलब ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा। सुन रहे हैं ना तू, बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा, उल्टा, प्रॉफिट क्या हुआ होगा, इधर बढ़ा होगा, और इधर क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हुआ होगा। मुझे पता है अब तुम घूर घूर कर देख रहे हो मुझे, बट मेरा भरोसा मानो, बहुत आसान है, राइट, और इससे और आसान मैं नहीं कर सकता। सुनो मैं क्या बता रहा हूं, ये ट्रिक काम आएगी। पहले क्या करना है बताओ, सभी का ध्यान इधर, पहले क्या करोगे, नहीं 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 नहीं, पहले क्या करोगे, पढ़ो वहां पर मैंने क्या लिखा, बिफोर रेक्टिफिकेशन है या आफ्टर रेक्टिफिकेशन है, ये पहले आइडेंटिफाई करोगे, चलो ठीक है। मगर हमारा आंसर हम कौन से स्टाइल में निकालेंगे, ऑलवेज बाय पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री। हमारा आंसर हमेशा हम कैसे निकालेंगे, रेक्टिफिकेशन एंट्री के बाद में क्या हुआ, ठीक है, ये हमने हमारे लिए आइडेंटिफाई करके रखा, मगर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करेंगे क्या, हमेशा करेंगे, एरर की रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, कर दी पास, यस। अब उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में पूछो अपने आप से, कोई ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट का आइटम है क्या, है। अगर जो ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को डेबिट हुआ तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वो रेक्टिफिकेशन एंट्री थी ना, आफ्टर रेक्टिफिकेशन, डेबिट अगर हुआ होगा तो प्रॉफिट कम होगा। अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के आइटम को क्रेडिट हुआ होगा तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ेगा, इतना ही दिमाग लगाना। बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा, उल्टा, मतलब अगर प्रॉफिट कम हुआ होगा पहले तो बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा, बड़ा होगा, से यस। तो देखो मैंने वैसे ही लिखा ना, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास किया आपने, रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करने के बाद में आपने ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के आइटम आइडेंटिफाई किया। अब उस रेक्टिफिकेशन एंट्री में ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को अगर डेबिट हुआ होगा तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा, प्रॉफिट कम हुआ, तो बिफोर रेक्टिफिकेशन टेक्निकली क्या हुआ, प्रॉफिट बढ़ा था, से यस। और अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्रेडिट हुआ है ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट के आइटम को, तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट हैज इंक्रीज्ड, बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ था, कम हुआ था। चलो लिख लो ये। हाँ बेटा जी, कहां से आओगे, बेटा उतने बेसिक तक नहीं जा सकता मैं, तू सोच उतना बेसिक तक कहां जाऊंगा, रेक्टिफिकेशन एंट्री सिखाई थी ना मैंने, इंटर ग्रुप इंट्रा ग्रुप, तो भी वही आंसर आएगा ना, प्रॉफिट पर तो इंपैक्ट उतना ही जाएगा ना, ठीक है। Shall we go ahead now? इससे आंसर 100% सही आएगा आपका। Shall I go ahead? रेडी, चलते हैं। हाँ कहां से आवाज आई, 16th क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने, द टोटल ऑफ सेल्स बुक वॉज अंडरस्टेटेड बाई ₹200, रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी, सेल्स बुक वॉज अंडरस्टेटेड, बेटा मैंने क्या बताया था एंट्री कैसे करते हैं, सेल्स को क्या करना पड़ेगा, अंडरस्टेटेड, तो क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, बताओ एंट्री क्या है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्या आंसर होगा, बी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। 17th क्वेश्चन ये रहा आपके सेवा में, सेल्स ऑफ 5000 एंटर्ड एज परचेस, द इफेक्ट ऑफ दिस एरर विल बी, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड इफेक्ट ऑफ दिस एरर, बिफोर रेक्टिफिकेशन या आफ्टर रेक्टिफिकेशन, बिफोर और आफ्टर, बिफोर द इफेक्ट ऑफ दिस एरर वुड बी, दिस इज बिफोर रेक्टिफिकेशन। अच्छा मुझे बताओ, रेक्टिफिकेशन एंट्री कर दूं क्या मैं, सेल्स इज एंटर्ड एज परचेस, करेक्ट क्या है, सेल्स, तो मैं लिखूंगा टू सेल्स, अरे रुक जा रे भाई, टू सेल, अरे रुक, टू सेल्स और टू परचेस, कितना आएगा बेटा, 5000 और 5000, और डेबिट किसको करेंगे, पार्टी। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या हो रहा है,
क्रेडिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट के आइटम को क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, हाँ या नहीं? तो बेटा प्रॉफिट आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा है? आफ्टर रेक्टिफिकेशन, आफ्टर आफ्टर रेक्टिफिकेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ होगा? कम। सो मैं लिख दूं क्या आंसर? जीपी विल डिक्रीज बाय रुपीज 10,000। इतने शॉर्टकट से आंसर आता है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, ट्रेडिंग और पी एंड एल अकाउंट के आइडेंटिफाई करो आइटम्स। क्रेडिट हो रहा होगा तो आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ रहा है, बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या हुआ था? लेस। तो लेस कितने से हुआ था बेटा जी? जीपी विल डिक्रीज बाय रुपीज 10,000। समझ में आ गया शॉर्टकट? अभी तक कितने लोगों को नहीं समझ में आया? क्या बात कर, एक भी नहीं? हाँ, प्लीज रेज योर हैंड, आई विल ट्राई एंड मेक यू अंडरस्टैंड अगेन। मैं मेरी कोशिश करता हूं। अच्छा, अब इस तीन चार लोग, ये सुनो, मैं फिर भी कोशिश करूंगा ऑफिस। मैं तुमको सिर्फ इतनी बात बोल रहा हूं, तुम कहां पे अटके हो मुझे पता है। जैसे ये गुरमीत अटकी हुई है कि सर 100 रुपीज क्यों नहीं होगा, इफेक्ट डबल क्यों हो रहा है। जो चीजें हमने सीख ली है उसको वापिस रिविजिट नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया था, व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट और क्रेडिट बिकम्स डेबिट, द इफेक्ट इज एडेड, दिस इज द रूल। मैं वापिस वहां तक जाके रिविजिट नहीं करूंगा। आपको इतनी बात तय मंजूर है क्या कि व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट एंड क्रेडिट बिकम्स डेबिट द इफेक्ट इज एडेड? क्लियर? अगर इतना पता है तो आप रेक्टिफिकेशन एंट्री करना शुरू कीजिए। और बस मैं जितना बोल रहा हूं उतनी ही चीजों के पास ध्यान दीजिए, अभी के लिए उतनी ही चीजों के पास ध्यान दीजिए कि पहले का क्या, कैसा क्या, कुछ नहीं। जितना मैं बोल रहा हूं उतना ही सुनो। इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री आती है क्या? सेल्स फॉर रुपीज 5,000 इज एंटर्ड वर्ड एज रुपीज परचेस एज परचेसेस। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इंटर कैटेगरी बोलेंगे। एक होता है इंट्रा कैटेगरी, डेबिट का डेबिट में गया, क्रेडिट का क्रेडिट में गया, ये इंट्रा कैटेगरी। एक क्या होता है? इंटर कैटेगरी, ये इंटर कैटेगरी हुआ। फिर मैंने आपको इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री डायरेक्टली एकदम शॉर्टकट से सिखाया था उस समय, याद है? मैंने पूछा था सही क्या है, तो तुमने बोलता था सेल्स। फिर मैं तुमको पूछता था सेल्स को कौन सा बैलेंस होता था, तो तुम बोलते थे क्रेडिट। तो फिर मैं बोलता था टू सेल्स 5,000, और इंटर कैटेगरी है तो बेटा आप क्या करते? टू परचेस 5,000, और डेबिट क्या करते थे हम? पार्टी। कितना बेटा जी? 10,000। ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई ना, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री हुई ना। अब इसको समझने में किसको अड़चने बताओ? ये तो मैंने सिखाया। अब फिर मैंने सेकंड ब्यूटीफुल स्टेप क्या बताई कि इसमें से ट्रेडिंग अकाउंट को आइडेंटिफाई या पी एंड आइडेंटिफाई, ये जो रिलेट करते वो आइटम को बताइए। तो पार्टी अकाउंट ट्रेडिंग और पी एंड अकाउंट में नहीं जाती, कौन सी जाती? ये दोनों जाते कि नहीं जाते? यस। अगर बेटा ये दोनों जाते वहां से तो इनको क्या हो रहा है? क्रेडिट। मैंने सिंपल बोला कौन सा आइटम है ये भूल जाओ, सर सेल्स है, सर परचेस है, भूल जा। ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है क्या? हाँ है। क्रेडिट अगर हो रहा है तो क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा आफ्टर रेक्टिफिकेशन, क्योंकि ये रेक्टिफिकेशन एंट्री है। बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि अगर आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट बढ़ रहा है तो बिफोर रेक्टिफिकेशन क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। मेरा आंसर क्लियर है, जीपी विल डिक्रीज बाय 10,000। सर 10,000 क्यों, ये क्यों नहीं? अब वो बात के ऊपर आ गए हम, अब हम वो डिस्कशन नहीं कर सकते। बातचीत अपनी पहले ही क्लियर हो गई थी, जब डेबिट क्रेडिट हो जाता है तो इफेक्ट एड होता है। समझ में आ गया? वापिस तू उधर ही अटके, मैं तेरे को वापिस बोल रहा हूं, इफेक्ट इज एडेड। अब तू मुझे पूछ रही है जो चीज, उसके लिए यू विल हैव टू टेक सम टाइम, यू विल हैव टू, क्योंकि मैं क्यों डर रहा हूं बताया क्या? मुझे क्यों डर लगता है? क्योंकि ये है चीज ही इजी है। तुम कोई चीज पर अटक गए और उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो और आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं, तो ये भी चीज लेकर डूबोगे। अब पहले की चीज तो लेकर डूब गए, बस हाँ बस बस अभी के लिए हमने उतना ही समझा है। तुझे थोड़ा सा और शायद समय लगेगा कि वेरी न्यू विल अंडरस्टैंड कि क्यों इफेक्ट ऐड होता है, पॉसिबली आगे समझ में आएगा। कुछ चीजों का समय होता है, अभी के लिए इतना समझ में आ रहा है काफी, ठीक है? नहीं तो क्या कि ये शॉर्टकट भी छूट जाएगा, और भरोसा मानो ये शॉर्टकट आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाला है। एक शॉर्टकट में एंट्री से पता चलना है कि प्रॉफिट पर क्या इंपैक्ट आने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए शॉर्टकट को पकड़ के रखो, नहीं तो एग्जाम में साले पढ़कर आंसर भी तो आना चाहिए ना आपका। शॉर्टकट को मत छोड़ो, चलते अभी आगे। मैं अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18। अ ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ अ करेक्ट एंट्री इज पोस्टेड ट्वाइस। ना भाई, इसमें ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है। 5,000 रिसीव्ड फ्रॉम हरीश इज पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हरी। एंट्री करो बेटा कैश अकाउंट डेबिट टू हरीश। गलती से एंट्री क्या हो गई? कैश अकाउंट डेबिट टू हरी। इसमें भी टैली हो जाएगा। सेल्स ऑन क्रेडिट बेसिस
इज क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट एंड डेबिटेड इन कैश अकाउंट. अगर डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट तो टैली हो जाएगा. इसमें भी एंट्री क्या होती है, किसको कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसमें भी टैली हो जाएगा. अब रूलिंग आउट मेथड से एक डी ऑप्शन बची तो डी राइट होगी, बट फिर भी मैं देख लेता हूं. गुड्स ऑफ 2500 रिटर्न टू राम. बेटा कौन सा रिटर्न है, परचेस रिटर्न इज एडेड इन टू परचेसेस. तो बेटा आप गलती से क्या हो गया, परचेस रिटर्न को क्रेडिट बैलेंस होता है, एग्रीड, वो कहां पर एड हो गया, परचेसेस में. तो डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट. सो माई डियर फ्रेंड द राइट आंसर इज डी. डी सही आंसर है. यो ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 आपकी सेवा में. अ क्लॉथ मर्चेंट परचेस्ड फर्नीचर एंड रिकॉर्डेड इट इन परचेस डे बुक. प्लीज हाईलाइट द वर्ड परचेस डे बुक. दिस इज वॉट काइंड ऑफ एरर, दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो लिख दो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. क्यों, परचेसेस ट्रीट करने की वजह से वो क्या ट्रीट हो गए, गुड्स और रेवेन्यू आइटम ट्रीट हो गया ना. फिर फर्नीचर इज अ कैपिटल आइटम, जब कैपिटल आइटम रेवेन्यू हो जाए या रेवेन्यू आइटम कैपिटल हो जाए, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. क्वेश्चन नंबर 20 आपकी सेवा में. राम अर्न्ड अ प्रॉफिट ऑफ 140,000 फॉर द ईयर 2008-09, बट एट द टाइम ऑफ ऑडिट द ऑडिटर फाउंड दैट राम परचेस्ड अ स्कूटर ऑन 1/4/2008 for rupees 20,000 and charged it to revenue account. The auditor advised year 2 rectify the error now and to charge depreciation at 15% on scooter. The correct profit after rectification will be. Agreed? ये देखते हैं हम कैसे करेंगे. बेटा अभी profit already reported कितना है, profit already reported कितना है बेटा, 140,000 है. इसमें स्कूटर एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, लेस हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो स्कूटर ऑन 1/4/2008 एंड चार्ज इट टू रेवेन्यू एक्सपेंस. क्या स्कूटर रेवेन्यू एक्सपेंस हो सकता है क्या, स्कूटर इज व्हाट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. तो मैं क्या करूंगा भाई, प्रॉफिट को बढ़ाओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितने से बढ़ा दूंगा बेटा जी, 20,000. ये मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज. बोलो ना क्या किया, इंक्रीज. कितने से इंक्रीज किया मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, 20,000. फिर मैं क्या करूंगा, लेस करूंगा उसके ऊपर का डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 20,000 इंटू 15% कितना आएगा, 3,000. तो बेटा मेरा आंसर क्या आएगा, करेक्टेड प्रॉफिट कितना है बेटा, अरे आंसर कितना है, अमाउंट कितनी है, अरे 1,57,000. ये आफ्टर रेक्टिफिकेशन पूछा है ना. सो द राइट आंसर इज ए, 1,57,000. चलिए एक नोट लिख लीजिए इसको, इसको आइडेंटिफाई करने का और एक सिंपल तरीका बताता हूं. नोट लिख लीजिए, इफ इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, मतलब अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या ट्रीट किया गया, रेवेन्यू, राइट, टू फाइंड करेक्टेड प्रॉफिट एड, टू फाइंड करेक्टेड प्रॉफिट एड व्हाट, एड कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड सब्सट्रैक्ट depreciation if any and subtract depreciation if any. Corrected profit निकालने के लिए यह करना पड़ेगा. अगर उल्टा हो गया तो revenue capital treat हो गया, तो revenue capital treat हो गया तो क्या, उल्टा करने का क्या करेंगे, subtract करोगे revenue और depreciation क्या करोगे, add. तो चलो और एक note लिख लो, If revenue expenditure is treated as capital expenditure, right? Subtract capital expenditure and add depreciation.
एंड ऐड डिप्रिसिएशन. डिप्रिसिएशन ऐड करना है और क्या करना है बेटा जी, कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सट्रैक्ट करना है. अगर रेवेन्यू कैपिटल हुआ तो, कैपिटल रेवेन्यू हुआ तो मैंने पहले लिखा कर दिया खुश. हां जी, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. ए सोल्ड गुड्स टू बी ऑन क्रेडिट फॉर रुपीज 7,15,000 बट डेबिटेड टू सी इंस्टेड ऑफ बी, द एंट्री वुड अफेक्ट इंडिविजुअल लेजर्स. इंडिविजुअल लेजर्स मतलब लिख दो अकाउंट ऑफ ए बी सी एक्सेट्रा. इंडिविजुअल लेजर्स मतलब क्या, अकाउंट्स ऑफ ए बी सी एक्सेट्रा, राइट. 21 के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी सेवा में. 22, एरर रिलेटेड टू फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो लिख लो इसका राइट आंसर क्या, एरर ऑफ प्रिंसिपल. जो फंडामेंटल एस्पेक्ट से डील करते हैं उसको हम एरर ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं. Which of the following types of errors do not affect, please underline the word do not affect, agreement of trial balance. ऐसे कौन से error है जिससे trial balance पर कोई effect नहीं होता. Omission of an entry altogether from subsidiary books, yes, ये affect नहीं करता. Errors of principle, which of the following types of errors, अच्छा मैं बोला तीनों हो रहे भाई, ये दूसरा भी हो रहा है, error of principle, yes, error of principle भी affect नहीं करता. पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट अमाउंट ऑन करेक्ट साइड बट रॉन्ग अकाउंट. साइड सेम है, अकाउंट गलत है, मतलब डेबिट का डेबिट में लिखा है मगर गलत अकाउंट में, तो इससे भी ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है. तो कौन सा राइट आंसर है, ऑल ऑफ दिस. इस क्वेश्चन के बारे में लिख लो, एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आया जब तक 100% कॉन्फिडेंट नहीं हो इसका आंसर नहीं करोगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश का लोचा है. जब तक तुम 100% क्लियर नहीं हो इस क्वेश्चन का आंसर नहीं करोगे, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बढ़ जाते हैं. बाकी की जगह तुक्का लगाओ मगर इस जगह मत लगाना, क्योंकि इंग्लिश का लोचा है. क्वेश्चन नंबर 24, द ऑब्जेक्ट ऑफ ओपनिंग सस्पेंस अकाउंट इज टू टैली ट्रायल बैलेंस. नहीं नहीं, क्या टैली ट्रायल बैलेंस, सस्पेंस अकाउंट से ट्रायल बैलेंस को टैली किया जाता है क्या, नहीं. टू टेम्पररीली टैली द ट्रायल बैलेंस, ऐसा वर्डिंग बताया था मैंने, टेम्पररीली टैली, टैली फाइनल नहीं. तो पहला ऑप्शन सही नहीं है. टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, टू रेक्टिफाई द एरर्स, नन ऑफ दिस. सो माय डियर फ्रेंड इट इज बी, टू अवॉइड द डिले इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अरे बाबा ट्रायल बैलेंस को परमानेंटली टैली नहीं करते, कैसे टैली करते, टेम्पररीली, टेम्पररीली इट इज पार्क्ड इन ट्रायल बैलेंस. तो इसका राइट आंसर क्या है विजेता जी, बी, डिले को रोकने के लिए सस्पेंस अकाउंट डालकर हम उसको टैली करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 के बाद में 25, बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट. अब बैलेंस शीट में कौन सी साइड, अगर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट बैलेंस है तो असेट साइड, अगर सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट बैलेंस है तो लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट. 26th क्वेश्चन, Errors of which of the following account does not affect profit and loss account, personal account, real account, either A or B or D both. The answer is D both. Agreed? सिर्फ nominal account से profit and loss account affect होता है. Rectification of which types of error requires opening of suspense account. एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं, एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन बिल्कुल भी नहीं, सी पार्शियल ओमिशन यस, क्योंकि पार्शियल ओमिशन में क्या होता है, डेबिट इज नॉट इक्वल टू क्रेडिट. सो द राइट आंसर इज सी पार्शियल ओमिशन. पार्शियल ओमिशन 100% है. एरर ऑफ कमीशन में कभी यूज होता है कभी नहीं यूज होता है. सो व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, सी. तुम जो बोल रही हो सही है कि सर एरर ऑफ कमीशन में भी तो यूज होता है, सही है, बट मैं ये पूछ रहा हूं कि 100% आंसर कौन सा, सी. एरर ऑफ प्रिंसिपल डू नॉट अलाउ करेक्ट टोटलिंग ऑफ द बैलेंस शीट, करेक्ट टोटलिंग ऑफ द ट्रायल बैलेंस टू एग्री, नन ऑफ दिस. द राइट आंसर इज नन ऑफ दिस, क्योंकि करेक्ट टोटलिंग भी होती है, करेक्ट टोटलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस भी होता है. सिर्फ क्या बोलते हैं उसको, डेबिट सॉरी रेवेन्यू आइटम क्या बन जाता है, कैपिटल आइटम, या कैपिटल आइटम क्या बन जाता है, रेवेन्यू आइटम. तो इसमें नन ऑफ दिस.
29th question. Which of the following is not an error of principle? ये question गलत print हुआ है, right? ये question गलत print हुआ है. Let's see. ₹10,000 paid for erection and commissioning of plant and machinery debited to repairs and maintenance. बेटा ये answer सही है. This is error of principle. Error of principle. नहीं ये answer, ये question सही है. I'm sorry. ये question सही है. ये सही है. मैं सी वाला पढ़ूंगा. 1000 पेड एज कार्ट्रेज फॉर ऑफिस फर्नीचर डेबिटेड टू कार्ट्रेज अकाउंट. मतलब कार्ट्रेज भरा मतलब ऑफिस फर्नीचर को लेकर आया आप, कैरेज वगैरह भरा उसका, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भरा, वो गलती से किसको डेबिट हो गया? कैरेज अकाउंट को. एग्रीड? तो बेटा सी भी एरर ऑफ प्रिंसिपल ही है क्योंकि फर्नीचर को डेबिट होना चाहिए था ना. अच्छा 5000 पेड एज सैलरी टू गोपाल डेबिटेड टू हीज अकाउंट. मतलब सैलरी की जगह पे किसको डेबिट कर दिया? गोपाल को. मैंने लिखा था ये भी क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल. तो बेटा ये आंसर क्या होगा रूलिंग आउट से? बी 4000 पेड टू श्याम क्रेडिटेड टू हीज अकाउंट. क्योंकि पेड टू श्याम की एंट्री क्या आएगी? पेड टू श्याम. बताओ श्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हमने गलती से एंट्री क्या कर दी? टू कैश टू श्याम, नो डेबिट. राइट बेटा ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है. ये एरर ऑफ प्रिंसिपल नहीं है. सो व्हाट इज द राइट आंसर? बी. वो एरर ऑफ कमीशन है. से यस, ये क्वेश्चन सही है. 29th इज राइट. 30th देखते. ₹5100 पेड टू सोनू एज सैलरी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2006. This was debited to his account. बेटा ये कौन सा एरर हुआ? एरर ऑफ प्रिंसिपल. यहां पर आंसर मेरे इधर गलत आएगा. ये एरर ऑफ कमीशन आएगा. एरर ऑफ कमीशन नहीं है, इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल. आपके पीछे भी जो आंसर है वो सी है. वो सी को काटो और इसका राइट आंसर क्या लिखो? एरर ऑफ प्रिंसिपल. ओके 30 के बाद में 31. विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? रिपेयर्स टू बिल्डिंग हैव बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग, ट्रायल बैलेंस अफेक्ट नहीं होता इससे. द टोटल ऑफ परचेस जर्नल इज 2000 शॉर्ट. लिख दो, यही आंसर है. मुझे आगे जाना भी नहीं है, फिर भी पढ़ लेता हूं तुम बोल रहे हो तो. फ्रेट पेड ऑन न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू फ्रेट अकाउंट. कोई दिक्कत नहीं, ये क्या है? इससे ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. सो राइट आंसर इज व्हाट? बी. किसी भी बुक की टोटल में मिस्टेक होना, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग, इसके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता. जिसको रेक्टिफाई करने के लिए सस्पेंस अकाउंट की जरूरत पड़ती है वो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता. सो माय डियर फ्रेंड द राइट आंसर इज बी. 32 क्वेश्चन आपके लिए. गुड्स कॉस्टिंग 10,000 taken by the proprietor for personal use were not recorded. The error will result in. Please underline the word the error will result in. Before rectification है कि after? Before या after? Before. मुझे क्या करना है? पहले rectification entry pass करनी. Not recorded बोला है. मतलब complete error of omission. Complete error of omission को rectify करने के लिए मैंने क्या बोला था? जो correct entry होती है वही rectification entry होती है. So correct entry क्या होगी? Drawings account debit to purchases oblique trading account. मैंने लिखा to purchases. कितना लिखा बेटा जी? 10,000. Am I communicating? अपने दिल से पूछो इसमें से कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है? परचेसेस. क्या हो रहा है उसको? क्रेडिट. मतलब आफ्टर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट विल राइज, बिफोर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट विल डिक्रीज. तो इसका राइट आंसर क्या है? डिक्रीज इन जीपी. आसान है ना? रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, आइडेंटिफाई करो क्या मिल रहा है उसमें. ट्रेडिंग अकाउंट का कोई आइटम मिल रहा है क्या? जो मिल गया तो वेरी गुड. उस आइटम को पकड़ो, वो अगर क्रेडिट हो रहा है तो प्रॉफिट बढ़ रहा था, बिफोर रेक्टिफिकेशन प्रॉफिट कम हो रहा था. अरे संपिया झंपिया संपिया, अब आ जाओ. कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कल गया था ना, जितने एमसीक्यूज मैंने कराए
वो एमसीक्यूज ध्यान से कर लेना। कौन से ध्यान से? तुम जैसा करते हो ना वैसा नहीं, रट्टा मार के जो टेक्निक बताई थी ना वो टेक्निक ध्यान से कर लेना, आपको बाकी के आंसर्स भी आ जाएंगे। दिस क्वेश्चन शुड बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टेक्निक एंड सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस। कम डाउन टू कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इस चैप्टर में मैं वापस शुरू करने के पहले मैं वापस एक बार याद दिला दूं, इस चैप्टर में मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू हैंडल एनी आर्ग्यूमेंट। दो रीजन है उसके, पहले क्लियर। एक तो चैप्टर का वेटेज एग्जाम में कम है, पहला पॉइंट, मैं इसको इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। दूसरा पॉइंट, ये आपको समझने के लिए सीए फाइनल का तक का भी समय कम लगेगा। एग्रीड? अगर अभी से धीरे धीरे पढ़ते रहोगे तो कहीं सीए फाइनल में जाकर एकदम क्लियरली समझ में आने लगेगी चीजें। इस चैप्टर में मैं कोई भी क्वेरी हैंडल नहीं करूंगा, मैं खुद ओपनली बोल रहा हूं। इज दैट ओके? आपको जो मैं बोल दूं वो पत्थर की लकीर। ये मेरे को मेरे सर ने भी ऐसे ही सिखाया था। शेयर मार्केट में जब मैं सीखने गया था हमारे ब्रोकर के पास, तू अपना दिमाग कुछ दिन तक नहीं लगाएगा, जो मैं बोल दूं वो पत्थर की लकीर। अगर ये चीज मानता है तो सीखने के लिए, तो बैठने का बोल्ट पर, बोल्ट मतलब कंप्यूटर पर, नहीं तो बैठने का नहीं। वैसे ही मैं तुमको बोल रहा हूं, इस चैप्टर के लिए मैं एक भी क्वेरी हैंडल नहीं करूंगा, जो मैंने बोल दिया वो आपके लिए पत्थर की लकीर। मतलब क्लास में कैओस कम होगा और जो समझने की गुंजाइश है थोड़ी बहुत वो ज्यादा हो जाएगी, राइट? और आपने भी आपके मन को ऐसे समझाना कि हाँ सर बोल रहे हैं ना कि ऐसे ही पढ़ना है, तो मन को समझाओ कि हाँ ऐसे ही पढ़ना है इस चैप्टर को, तो कभी कभी आगे की जाके चीजें खुल जाती है। अब गाड़ी सीखते हो, राइट? गाड़ी सीखते वक्त जैसा वो सामने वाला आदमी बोल रहा है वैसा करने का, वो बोली हुई चीज पत्थर की लकीर, बस ऐसी बात। मैं भी आपको जो बोल रहा हूं आपको बात माननी पड़ेगी। जैसे क्या, क्रोसिन लेते हो क्या? क्रोसिन टैबलेट लिए? क्रोसिन लिया? नहीं ली कभी? अब तू तो पता है वो जानवरों की टैबलेट लेता है, तुझे नहीं पता होगी बेटा, बट बाकी के लोगों को पूछ रहा हूं इन जनरल, है ना? तू जानवरों की लेता है? कौन से, कुत्ते की लेता है कि भैंस की लेता है? हाँ वड़ू वड़ू। सो क्रोसिन का कंटेंट क्या है मालूम है क्या? नहीं, डिबेट करने का नहीं है। बोला है ले बुखार जाएगा, जाएगा जाएगा, बात खत्म। राडा करने का नहीं, इस चैप्टर में भी मेरे को राडा नहीं चाहिए। राडा कब करने का? एक लेवल पास हो जाओ सीपीटी, थोड़ा सा उस लेवल तक आ जाओ, आईपीसीसी में डिबेट करो, फिर बात करेंगे। थोड़ा सा इनकम टैक्स पढ़ लो, पीजीपीपी टॉपिक पढ़ लो, सेक्शन 37 पढ़ लो। तुम्हें पता है सेक्शन 37 में कितने केस लॉज पढ़ सकते हो आप? 100 पेजेस तक। अभी है, है? अभी बोला कि पढ़ना है इतना, तो है अब नहीं करना है ना? नहीं सर, आप तो जो बोल दो फाइनल है हमारे लिए। समझ में आ गई ना बात मिया? चलिए पहला क्वेश्चन। मनी स्पेंट ₹10,000 एज ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस ऑफ द डायरेक्टर्स ऑन द ट्रिप अब्रॉड फॉर परचेस ऑफ कैपिटल असेट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। मुझे पता है तुमको इसका आंसर पता नहीं है, तुमने पीछे देखकर टिक किया है, या तुम मुझे प्रूव नहीं कर सकते। एनीवेज, नहीं मैं तुम्हारा, मैं कंप्लीटली रिस्पेक्ट करता हूं, सॉरी मैं गलत हूं, तुम सही हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर, अगर ये कैपिटल असेट नहीं होता, रॉ मटेरियल होता, रॉ मटेरियल होता, डायरेक्टर के ट्रिप फॉर बाइंग रॉ मटेरियल फॉर गुड्स, तो ये हो जाता रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ 5,000 स्पेंट एज लॉयर, ये कल ही हमने देखा था, ये कौन सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बियॉन्ड अ डाउट, राइट? क्वेश्चन नंबर 3, एंट्रेंस फीस, ये भी कल ही देखा था। एंट्रेंस फीस इज व्हाट? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेंबरशिप फीस, सॉरी कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, कैपिटल रिसीट। और अगर मेंबरशिप फीस वर्ड बोला तो क्या बोलोगे? रेवेन्यू। मेंबरशिप फीस लिख दो रेवेन्यू, मेंबरशिप फीस रेवेन्यू, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये भी कमी ना पाने, कैपिटल, कैपिटल रिसीट। और ये कौन सा? रेवेन्यू रिसीट। ओके ओके, थर्ड हो गया। ये सिर्फ मेंबरशिप मतलब क्या है? रेवेन्यू।
और अगर ऐसा बोला है क्या लाइफ मेंबरशिप फीस, तो क्या कैपिटल रिसीव्ड। अगला क्वेश्चन, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटली बाय फायर, कैपिटल। मगर अगर वही मशीनरी को काट कर मैं लिख दूं गुड्स, तो क्या होगा रेवेन्यू। मशीनरी है तो क्या है कैपिटल, और जो गुड्स आ जाएगी तो क्या हो जाएगा रेवेन्यू। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आपकी सेवा में, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड फ्रॉम यूटीआई इज रेवेन्यू। मुझे नहीं मालूम रेवेन्यू, मुझे आता ही नहीं है रेवेन्यू। और सेल ऑफ यूटीआई बॉन्ड्स अगर ऐसा आया कैपिटल, सेल ऑफ यूटीआई बॉन्ड्स अगर रहा तो क्या होगा कैपिटल। इन्वेस्टमेंट को बेचा तो कैपिटल, इन्वेस्टमेंट पर इनकम मिली इंटरेस्ट मिला रेवेन्यू, इंटरेस्ट मिला मैंने बोला। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका मत पूछना आईडीबीआई का, मुझे नहीं पता। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज अ मीडियम टर्म लोन फॉर अग्यूमेंटिंग वर्किंग कैपिटल, क्या करेंगे कैपिटल। बेटा लोन लिया तो कैपिटल, कोई भी लोन लो तो क्या होगा कैपिटल, लिख लो लोन टेकन कैपिटल रिसीट, लोन टेकन कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिकवर्ड ड्यूरिंग द ईयर रेवेन्यू रिसीट। सेकेंड हैंड कार परचेस्ड, अंडरलाइन द वर्ड सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड कार परचेस्ड फॉर 10,000, द अमाउंट ऑफ 1,000 स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स, 500 इनकर्ड टू गेट द कार रजिस्टर्ड इन ओनर्स नेम एंड 1,200 पेड एज ए डीलर्स कमीशन, द अमाउंट डेबिटेड टू कार अकाउंट विल बी। तो बेटा ये देखो 10,000 प्लस 500 प्लस 1,200 प्लस 1,000 कितना आता है 12,700, ये उसका एक्सपेंस। मतलब क्या, सेकेंड हैंड कार में जब तक की या सेकेंड हैंड असेट में जितना भी खर्चा होगा उसको चलाने को लेकर आने तक का, मतलब वो चलाने के काबिल होनी चाहिए। जैसे कमीशन नहीं दिया तो कार खरीद सकते हो क्या, नहीं, तो डीलर कमीशन इज ऑल्सो टू बी कैपिटलाइज्ड। फिर उसके बाद में उसका रिपेयर नहीं कराया तो चला सकते हो क्या, नहीं सर हम बिना रिपेयर कराए चलाएंगे। अबे पोपटे मेरे को एक बात बता, रिपेयर क्यों करा दे तू, मतलब कोई गड़बड़ी नहीं फिर भी रिपेयर करा रहे हो, है ना। इसका मतलब रिपेयर बिना कराए चला नहीं सकते थे इसलिए रिपेयर कराया, एग्रीड। सो बेटा रिपेयर इज ऑल्सो टू बी एडेड। फिर और कौन सा था, 500। कार को रजिस्टर करना है, अगर मैं मेरे नाम से रजिस्टर नहीं कराऊं तो क्या वो मेरी हो जाएगी क्या, नहीं। सो जो भी चीजें कार को चलाने के लिए करोगे सेकेंड हैंड के लिए वो सारा खर्चा क्या होगा एड होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो द राइट आंसर इज 12,700, राइट। वी आर नाउ देयर ऑन क्वेश्चन नंबर 9। इफ रिपेयर कॉस्ट इज रुपीज 25,000, व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस आर रुपीज 5,000, कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग इज 2,50,000 एंड द कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड इंप्रूवमेंट, इज 19,000, द अमाउंट टू बी एक्सपेंस्ड इज। नन्हे मुन्ने बच्चों मैंने क्या बताया था, एक्सपेंस का मतलब क्या पहले बताओ, पी एंड एल अकाउंट को कितना ट्रांसफर होगा। अच्छा दूसरी बात, सेकेंड हैंड कोई चीज है क्या, कोई भी सेकेंड हैंड चीज नहीं है, सेकेंड हैंड चीज हुई तो ही रिपेयर कैपिटल असेट में ऐड होता है, नहीं तो ऐड नहीं होता। इसमें क्या क्या चीजें जाएगी बेटा, पी एंड एल अकाउंट 25,000 और व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस। रिपेयर्स तो हम पी एंड एल अकाउंट को डालते ही है सर, व्हाइट वॉश एक्सपेंसेस क्या है, पेंटिंग करना दीवार को व्हाइट वॉश, राइट। सो माय डियर फ्रेंड दैट इज ऑल व्हाट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो माय डियर फ्रेंड द राइट आंसर इज 30,000, दिस विल बी एक्सपेंस्ड, लिख दो इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पी एंड एल अकाउंट। जो एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि एक असेट बन रही है नहीं, विच हैज गॉट एंड्यूरिंग बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, और वायरिंग सिस्टम तो इंप्रूव हुआ है खुद उन्होंने बताया तो उससे भी बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेंगे फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, सो इट इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट कैंपेन लॉन्च्ड टू लॉन्च ए न्यू प्रोडक्ट,
underline the word launch a new product. Deferred revenue. Already existing product ka pindu pindu sa advertisement is not deferred revenue expenditure. Sir, example, dekho, Pepsi ki ad aati hai kya? Already established product, uski Pepsi ki ad, naya product nahi hai, kaun sa expenditure aayega? Capital ya revenue? Revenue. I mean sorry, deferred revenue aayega ki sirf revenue aayega? Revenue. Magar agar koi naya product hai, jaise Uninor nahi company aa rahi thi, to usko hum kya bolenge? Deferred revenue expenditure. अभी इंडिया में एप्लीकेबल है क्या ये? नहीं, अभी इंडिया में एप्लीकेबल नहीं है. बट फिर भी ये इसके लिए काम आता है कुछ, इसके लिए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, ये सारे कौन से ट्रीट करते हैं हम? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. अगला क्वेश्चन, लॉस कॉज्ड बाय थेफ्ट ऑफ कैश बाय कैशियर आफ्टर बिजनेस आवर्स इज एन. नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आफ्टर बिजनेस आवर, आफ्टर बिजनेस आर कैपिटल, विद इन बिजनेस आर रेवेन्यू. बिजनेस आर बंद हो गए, मतलब धंधा बंद हो गया, बंद बंद करा के चले गए, और उसके बाद में चोरी हुई, कैपिटल. धंधा चालू है और उसमें कुछ हुआ, एम्प्लॉय ने हेराफेरी की, गफला किया कुछ, कैन बी रेवेन्यू, कैपिटल लॉस. क्वेश्चन नंबर 12, शेयर प्रीमियम अकाउंट इज एन कैपिटल रिसीट. शेयर प्रीमियम अकाउंट इज एन कैपिटल रिसीट. 13th, अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग द सिटिंग कैपेसिटी इन द सिनेमा हॉल इज कैपिटल, कैपिटल एक्सपेंडिचर. ये तो खटाक खटा है. 14th, अमाउंट स्पेंट ऑन अनसक्सेसफुल पेटेंट राइट इज अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल इट इज माय डियर फ्रेंड रेवेन्यू. सक्सेसफुल होता तो बेटा वो होता कैपिटल. अनसक्सेसफुल इज व्हाट? रेवेन्यू. सक्सेसफुल होता तो वो क्या होता? कैपिटल. सर किसके हिसाब से हो रहा है सर ऐसा? AS 26 इंटेंजिबल असेट, आईपीसीसी ग्रुप 2. ये पेटेंट सक्सेसफुल होता तो क्या लिखोगे? कैपिटल. अनसक्सेसफुल हुआ तो क्या लिखोगे? रेवेन्यू. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर एन एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. लिख दिया क्या सांबा? 16th question. An old machinery, please underline the word old machinery, old important hai. Purchased for 10,000, installation charges of rupees 1,000, repairs to the old machinery 7,000, repairs account will be debited by 0, kyunki sara ka sara amount kidhar chala jayega? Repairs ka bhi, machinery account. So what is the right answer? Nil. 17th prashna ye raha aapki seva mein. X limited spent rupees 10 lakhs towards construction of office building. It also spent 50,000 towards construction of temporary store and used the store for building construction purpose. On completion of building construction, the store was dismantled and the material was sold for rupees 20,000. Mr. A, a supervisor, was paid rupees 60,000 as his salary during the period of construction and he devoted 2/3 of his time for the building construction. The capitalized cost of the office building is. चलो find out करके बताओ. चलो try करो, जो मटका लगे कर दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है. अच्छा पहला 10 लाख ऐड होगा कि नहीं होगा ये बताओ. 50,000 ऐड होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वो टेम्पररी स्ट्रक्चर कल भी हमने देखा था कि वो ऐड होगा क्योंकि बिल्डिंग के लिए. उसमें से कोई इनकम आई, उसी टेम्पररी स्ट्रक्चर में से कोई इनकम आई, लिखो लेस, 20,000 लेस. और 60,000 का 2/3 40,000, लिखो ऐड करो 40,000. कितना आ रहा है आंसर? अरे अमाउंट कितनी आ रही है? 10,70,000. सो द राइट आंसर इज व्हाट? 10,70,000. रूल सिंपल था, 10 लाख प्लस 50,000 माइनस 20,000
प्लस आप क्या करोगे बेटा, सुपरविजन की सैलरी 40,000, इट विल बिकम 10,70,000। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी सेवा में, अमाउंट स्पेंट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ पेट्रोल ड्रिवन इंजिन बाय सीएनजी किट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये भी हमने कल देखा था। 19th क्वेश्चन, फाइन इंपोज्ड इज रेवेन्यू। 20th क्वेश्चन, एन्युअल रिन्यूअल फी, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड एन्युअल, एन्युअल एक साल की, इसका एक साल से ज्यादा बेनिफिट नहीं है, कौन सा आएगा रेवेन्यू, ओ सॉरी फॉर नेक्स्ट ईयर, फॉर नेक्स्ट ईयर बोला, क्या होगा प्रीपेड है, एक्सपेंस रेवेन्यू है मगर करंट ईयर का नहीं है, प्रीपेड है अगले साल का, प्रीपेड। कल भी मैंने यहीं पे मिस्टेक की, गई गई में प्रीपेड है ये। अमाउंट स्पेंट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पररी हट्स फॉर स्टोरिंग बिल्डिंग मटेरियल वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग इज, सही जवाब कैपिटल एक्सपेंडिचर। एम आई कम्युनिकेटिंग, यस। 22 क्वेश्चन आपकी सेवा में, कॉम्पेंसेशन पेड टू वर्कर अंडर वीआरएस इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कॉन्टिंजेंट असेट्स और लाइबिलिटीज हम आगे देखेंगे, चलिए होमवर्क लिखिए, होमवर्क सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल, सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ मॉड्यूल। मेरा काम है आपको गाइड करना, मैं कर रहा हूं। अच्छा एक और चीज जो मैं आज आपको बता रहा था कि मैंने आपके जो ये बुक है, कौन सी वाली, नहीं जो प्रैक्टिस मैन्यूअल है, सभी 20 पेपर के क्लासिफिकेशन कर दिए क्वेश्चंस के, मैंने 20 पेपर्स के क्लासिफिकेशन कर लिए, तो वो क्लासिफिकेशन के ये भी दे देता हूँ कि कब कौन से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है, तो वो भी एक कल चीज़ मैं आपको दे दूंगा, समाव मेरा लाना रह गया वो, तो अभी प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व करना शुरू कीजिए। तुमको एक छोटा सा एक उदाहरण दूंगा, आज मैंने लेक्चर शुरू करने के पहले भी आपको बताया था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के हमने आज कितने क्वेश्चंस किए बेटा, कितने 32, और अभी इसके कितने क्वेश्चंस किए बेटा 22 और 22, और अभी भी मेरे पास टाइम है 54 क्वेश्चंस किए। मुझे एक बात बताओ, अगर शांति से बैठो तो दो घंटे में, राइट, दो घंटे आज हुए नहीं, मैंने पहले का टाइम अलग चीज में हमने स्पेंड किया था, इन्वेस्ट किया था, सो दो घंटों में आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 70 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेयर मिनिमम, सो प्लीज फोकस दैट यू कैन सॉल्व 70 क्वेश्चंस, स्टार्ट डूइंग इट। हर रोज मैंने आपको जो पढ़ाई का स्केड्यूल दिया है वो कढ़ाई करो, हर रोज दो घंटे देना है, मतलब देना है। अब आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, किसी की शादी है क्या, तो जाओ फिर, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी, आप अगला क्वेश्चन, अगला चैप्टर, अरे ओपन हो मेरे भाई, हो ओपन यार, बिल गेट्स को कंप्लेन करनी पड़ेगी यार, अपना एप्पल अच्छा है, जॉइंट वेंचर, जॉइंट वेंचर्स। मैं तुमको एक बात बताता हूं, मैं बता चुका हूं बाकी के भी लेक्चर्स में, तुमको आज वापस बता रहा हूं, वापस एक बात बता रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है मेरे जीवन की, मैं तुमको बताता हूं, ध्यान से सुनो, कुछ मैं बोल रहा हूं ना, कुछ आपके फिलोसफीज एकदम क्लियर हो जाएंगे, मतलब आपको कभी ऐसा बोर नहीं होगा, मैं फिलोसफीज क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, ठीक है। मैं इसके पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर था, छोटी अम्मा, मैं इसके पहले कॉर्पोरेट ट्रेनर था, राइट, तो कंपनीज में पढ़ाने जाता था, दिल्ली मुंबई गुड़गांव बेंगलोर, तुम गाय बकरे ही चराओगे, मुझे पता है तुम गाय बकरे ही चराओगे, आई एम डैम श्योर। सो माय सेकंड जॉब राइट वाज दिस, कि जहाँ पे मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर बोलकर जाता था, एंड आई यूज टू टीच
दी इंडक्शन प्रोग्राम में या फिर वहाँ के ट्रेनीज को, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जो न्यू ज्वाइनीज थे उनको पढ़ाया करता था। 7 दिन में जाओ पूरा सिलेबस कंप्लीट करके आओ। वहाँ पे कुछ डिप्लोमा के कोर्सेज चलते थे, उनके लिए मैं पढ़ा के आता था। सो जनरली तब मैं बहुत यंग था, जनरली मतलब काफ़ी यंग था, तुमसे समझ लो 3-4 साल बड़ा रहूँगा तब। और तब हमको भेजा करते थे मॉर्निंग फ्लाइट में या लेट इवनिंग फ्लाइट्स, क्योंकि वो सस्ती होती थी और हम कुछ बोल नहीं सकते थे। और आई डोंट नो तुम्हारा क्या एक्सपीरियंस रहा होगा, एक तो सुबह सुबह उठकर जाओ जल्दी, सड़ते रहते, और कमी नहीं हो सुबह की फ्लाइट जनरली डिले करते। पुणे एयरपोर्ट पर तो खास बात है, क्योंकि पुणे एयरपोर्ट पर प्रॉब्लम ये है ना कि वहाँ पर डिफेंस का भी है, तो अगर एक स्लॉट में फ्लाइट नहीं निकली तो अगले 2 घंटे तक आपको वहीं पर रुकना है उसके बाद में। तो आप सुबह तो जाके चले जाकर बैठ जाते वहाँ पर, और फ्लाइट डिले है वहाँ पर पता चलता है, अब 2-2.5 घंटे निकालना है। तुम जस्ट इमेजिन करो कि एक मूवी बोर है, फिर उसके बाद में अपन कैसे देख पाते, देख नहीं पाते ना, तो फिर फ्लाइट देरी से और आप वहाँ पर बैठ के सड़ रहे हो और पता नहीं है। मैं तुमको बोलता हूँ द बेस्ट मोड ऑफ ट्रैवलिंग इज ट्रेन। जो बस में आप ट्रैवल करते हो ना तो वो भी अच्छा है, ट्रेन में ट्रैवल करते हो ना तो वो भी अच्छा है, क्योंकि लोग बात तो करते हैं यार कम से कम। यहाँ पे एयरपोर्ट में पता नहीं क्या गुर्मी छाई रहती है, बस इधर के उधर देखते नहीं, सूट बूट में पहने रहते हैं और पता नहीं जैसे इंसान नहीं, पता नहीं क्या है, बात नहीं करते, अब बोर होते रहते हैं। और बात भी करेंगे तो इंग्लिश में करेंगे और सड़ाते साले, मुझे पता नहीं, मुझे ना एकदम, आज भी मैं चावल है ना हाथ से खाता हूँ, मैं चम्मच से नहीं खाता हूँ, तो मैं ऐसा आदमी हूँ थोड़ा सा, मुझे वो वाला एटीट्यूड पसंद है। बराबर बराबर, थैंक यू। तो पॉइंट ये था कि फिर अब मैं वहाँ पर भयानक बोर होने का, जैसे अभी तुम हो रहे, नहीं अभी तुम तो कुछ भी नहीं हो रहे, मैं कैसा बोर होता था, मान लो सुबह 5 बजे गया हूँ वहाँ पर, एक तो उठने की बूम, फिर वहां पर जाके बैठो और नींद आ रही होती है और साला सड़ो वहां पर बैठे बैठे, ऐसे ही सड़ते रहो, क्या करने का। कभी कभी जाए बुक शॉप पे घूम के आ गए, कभी कुछ कॉफी वॉफी पी ली, और कॉफी भी साले कमी नहीं, इतनी महंगी बेचते थे कि साला ऐसा इधर तक नहीं उतरती थी कॉफी है साले के क्या, अपना क्या दे क्या रहा है मुझे समझ में नहीं आती थी कॉफी इतनी महंगी उस जमाने की बात, बहुत मुश्किल होता था। फिर मैंने एक सिस्टम वहां पर डिजाइन किया, रेटिंग सिस्टम। अब रेटिंग सिस्टम में मैं क्या करता था कि वहां पर जो एयर होस्टेस आती थी ना उन दे रही थी, उनको रेटिंग करना चालू किया 10 ऐसे कंपनी के नाम बनाता था मैं, क्या किंगफिशर, राइट, स्पाइस जेट, फिर एयर इंडिया, ऐसे सभी के एयर होस्टेस को रेटिंग करने का, किसी से बात नहीं करने का, अपन अपना इन्वॉल्व होकर तन्मयता से ये काम करने का। और मेरा टाइम कब गुजरता था, और इतना ब्यूटीफुल टाइम गुजरता था, मुझे आज तक कभी पता नहीं चला। और उससे बढ़िया टाइम, मतलब आई मीन बहुत ऐसे कम मोमेंट थे जब उसी लेवल का मैंने टाइम स्पेंड किया। तो बात क्या बोल रहा हूँ, अभी आपकी लाइफ का कुछ टाइम जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सड़ने से अच्छा अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, समझ में यही बात ध्यान में, ये पॉइंट बताना था मुझे। तुमको जो करना है तुम करो, चॉइस इज योर्स, मगर मैंने ऐसे किया। एग्रीड, चलते एयर इंडिया के एयरोस्टेस बराबर नहीं है, जॉइंट वेंचर। सुनो, जॉइंट वेंचर, जैसे 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 आदमी एडवांस होते गए टेक्नोलॉजी में, वैसे वैसे उसकी आकांक्षाएं, वैसे वैसे उसकी ड्रीम्स, उसका पावर के लिए हंगर, पैसे के लिए भूख बढ़ने लगी। पहले भूख नहीं थी हमारे बुढ़ापे के में, जो लोग थे ना हमारे दादा दादी उनके पहले उतनी भूख नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि डर था। आज मैं यहां पर बैठकर इस आदमी पर भरोसा कैसे करूं, भाग गया तो क्या करूं। पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं थे इतने। धीरे धीरे जैसे 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 टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन होते रहा, मोबाइल, इंटरनेट, राइट, सॉफ्टवेयर्स, जिससे इस लोकेशन पर बैठकर भी आप नीदरलैंड में क्या चल रहा है यहां से उधर के सर्वर को कंट्रोल करना, जब ये चीजें एडवांस हुई बेटा तो बिजनेस भी ग्रो होने लगा। शायद ऐसा हो सकता है कि आप में से काफी सारे बच्चे सीए बन जाने के बाद में ऐसी किसी एक जगह पर काम करोगे जो एक जगह लोकेशन होने के बावजूद भी बहुत जगह पे ऑपरेट करती है। आपको शायद ऐसी कोई जगह पे काम करना पड़ेगा, वहीं पर तो आपकी एक्सपर्टीज लगेगी ना। सो बेटा क्या क्या चीजें निकली फिर इसके लिए, देखो मैं आपको बताता हूं शुरुआत से। अगर आप देखोगे तो पहली जो चीज निकली वो थी ब्रांच, ब्रांच सिस्टम निकला।
फिर निकला डीलरशिप, फिर निकला जॉइंट वेंचर, एसोसिएट, पार्टनरशिप, होल्डिंग कंपनी, अमालगमेशन, मर्जर, ये से कई सारे रूप निकले जिसमें आपको दिखेगा कि हम बिजनेस को एक्सपांड करना चाहते हैं। तो जॉइंट वेंचर एक ऐसी चीज है कि जिसमें आप क्या करते हो, बिजनेस एक्सपांड करते हो। अगर आपको जॉइंट वेंचर का एक सीधा सिंपल सा उदाहरण चाहिए तो आज यहां से बाजीराव रोड से निकलने के बाद में ऐसे मुंह ऊपर करके फिरना, गाड़ी से टक्कर ना हो जाए ध्यान रखना, ऐसे मुंह ऊपर करके घूमना, और तब तुमको ऐसे दिखेगा कि बहुत बड़े बड़े होर्डिंग है जो बिल्डर लोगों की, राइट। तो कई बार बिल्डर लोगों का जॉइंट वेंचर होता है फार्मर के साथ, या बिल्डर का जॉइंट वेंचर होता है दो बिल्डर आकर एक साथ एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं। वो दोनों पार्टनर नहीं होते बेटा, वो किसी एक प्रोजेक्ट को दोनों एक साथ हैंडल कर रहे हैं। जॉइंट वेंचर, टेंपरेरी पार्टनरशिप। जॉइंट वेंचर इज व्हाट? टेंपरेरी पार्टनरशिप। सर ऐसा क्यों होता है? देखो, एक किसान है, अगर अपनी जमीन बेच देगा तो उसको ज्यादा पैसा तो नहीं मिलेगा, तो किसान होशियार हो गया, क्योंकि बीच में तुमको पता है क्या, किसानों ने लिटरली जमीनें बेची अपनी 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 10 लाख रुपए मैक्सिमम, मैं ऑन द हायर साइड बोल रहा हूं, और वही जमीन बिल्डर ने बेची, उसमें से एक एक फ्लैट 27 लाख, 28 लाख, और तुमको इन टोटलिटी बताऊं क्या, जो 10 लाख की जो जमीन थी उसके ऊपर पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मिलाकर मैक्सिमम जाता था होगा अराउंड 1 करोड़ रुपए, 10 लाख की जमीन और उस पर कंस्ट्रक्शन 1 करोड़ मान लो, ऐसी चीजें बिल्डर लोगों ने बेची अराउंड 20 करोड़ में, तो फार्मर को कोई बेनिफिट मिला ही नहीं उतना। फार्मर कितना, 10 लाख रुपए लेकर चुप हो गया, और बिल्डर ने कितने कमाए उसमें, 19 करोड़। ऐसे केसेस देखने को मिले। फिर फार्मर लोग होशियार हो गए, तो फार्मर ने क्या बोला, तुम मेरी लैंड डेवलप करोगे ना, गुड, मैं ये लैंड तुझे बेच नहीं रहा हूं, आई विल बिकम अ पार्टनर इन योर प्रोजेक्ट। मेरे को दिमाग नहीं है, मेरे को आर्किटेक्चर क्या रहता कुछ समझ में नहीं आता, तेरे पास मार्केटिंग स्किल्स है, तेरा नाम है, सब कुछ है, मेरी जमीन है, तुझे जमीन मिल नहीं रही, तू जमीन मेरी ले, मुझे पार्टनर बना सिर्फ इसी प्रोजेक्ट में। टेंपरेरी पार्टनरशिप, टेम्पररी पार्टनरशिप में फार्मर पार्टनर बना किसके साथ, ओनर के साथ, से यस, ओनर मतलब कौन, बिल्डर के साथ फार्मर, और ये दोनों बने पार्टनर उस प्रोजेक्ट के लिए। तो ये पार्टनरशिप से अलग कैसे, पार्टनरशिप क्या होता है, पूरे बिजनेस में आप उसके पार्टनर होते हो, इसमें किस में पार्टनर हो आप, सिर्फ उस प्रोजेक्ट में। इसीलिए बेटा टेम्पररी पार्टनरशिप का बहुत सारे प्रोविजंस पार्टनरशिप एक्ट के भी अप्लाई होते हैं। जॉइंट वेंचर में अगर आपको कुछ नहीं बोला जाए तो आप किसके प्रोविजंस अप्लाई कर दोगे, पार्टनरशिप एक्ट के। और एक बात बता दूं, जॉइंट वेंचर को गवर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अलावा कोई कानून नहीं है। जो आपके और फार्मर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा वही माना जाएगा कि आप दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस वेंचर के लिए। वेंचर मतलब एक छोटा सा प्रोजेक्ट, एक धंधा छोटा सा जो टेंपरेरी नेचर का है। सर और कुछ टेंपरेरी नेचर के आप धंधे बता सकते हो? देखो मैं हमेशा दिवाली के वक्त मेरे दोस्त के साथ, राइट, फटाके की दुकान लगाता था, मजाक कर रहा हूं, मैं हमेशा मेरे दोस्त के साथ दिवाली के वक्त फटाके की दुकान लगाता था। ये टेंपरेरी पार्टनरशिप है उस साल के लिए, जॉइंट वेंचर। एग्रीड? आपको ऐसे और भी कई सारे किस्से मिलेंगे जहां पर सीजन बाय सीजन लोग टेंपरेरी पार्टनरशिप में जाकर उसका व्यवसाय करते हैं। जैसे गणेश फेस्टिवल के वक्त आप गणपति की मूर्तियां, राइट, ये जॉइंट वेंचर में स्टॉल लगाकर बेचते हो। एम आई कम्युनिकेटिंग? सो प्लीज सी इट। ये फार्मर किसान और ये एपीएफ कंपनी, फार्मर को देखा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है बेटा, बहुत मेहनत करने वाला इंसान होता है, राइट। और ये फार्मर, अब इसको क्या आइडिया, ये धन उपजाता है, काम करता है खेतों में, इसको क्या पता है बेटा कि कैसे बिल्डिंग बनाना, कैसे बिल्डिंग को बेचना, कैसे मार्केटिंग करना, कौन से अप्रूवल लेना, किसको अप्रोच करना, और इसके पास शायद कैपिटल भी नहीं है उतना। इसके पास जमीन है और जमीन वो बेचना चाहता है, मगर वो सोचता है कि डायरेक्ट क्यों बेचूं, व्हाई नॉट आई टेक अ पार्टनर फॉर अ टेम्पररी पर्पज। और वो टेम्पररी पर्पज के लिए जब जाता है तो दो एक्सपर्टीज मिली, एक बिल्डर और इसकी जमीन, तो उस केस में ये जॉइंट वेंचर कहलाया जाता है इन दोनों के बीच में। और ये किसके तहत बनता है बेटा जी,
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, इसके लिए और कोई एक्ट गवर्न करने वाली नहीं होती। बट जब कोई भी कंडीशन आपको समझ में ना आए तो किसके लिए रेफर करना आपने, पार्टनरशिप एक्ट। तो क्या लिखा, एंटर्ड इनटू जॉइंट वेंचर इन द रेशियो ऑफ 25:75, फार्मर का 25 और एपीएफ कंपनी का कितना, 75, फॉर डेवलपमेंट ऑफ लैंड एपीएफ हाउसिंग स्कीम, ऐसा हुआ। से यस, और किसमें जॉइंट वेंचर होता है, लो सुनो, तुम आजकल के हॉस्पिटल में गए हो कभी, नहीं गए कभी, कोई एकदम अच्छे वाले, कौन से हॉस्पिटल में गए तुम, कौन से वाले हॉस्पिटल में गए, हाँ द बेस्ट हॉस्पिटल कोई गए होंगे, लीलावती गए हो, वेरी गुड, और कौन से, हाँ हाँ जहांगीर हॉस्पिटल, राइट। मेरा तो हॉस्पिटल के बारे में जो सोच था ना वही चेंज हो गया पूरा, मैं मजाक नहीं बोल रहा, मेरा तो पूरा सोच ही चेंज हो गया। हमारे टाइम में जब हम छोटे थे, हमारे मुझे याद है कि मैं जब छोटा था, एकदम छोटा था, तब भूकंप हुआ था किल्लारी में, लातूर में बहुत बड़ा भूकंप हुआ था, तो कई सारे लोग सोलापुर में हमारे गांव में एडमिट किए थे, तब मेरा पहली बार हॉस्पिटल में जाने का काम पड़ा था, और तब मैंने देखा था हॉस्पिटल मतलब इतनी गंदी जगह से मेंटेन होता था कि बता नहीं सकता मैं आपको, इतना गंदी तरीके से मेंटेन होता था, और कोई सिस्टम नहीं रहता था, कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत जो सिस्टम है उतना ही। ये मेरा पहला हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस मुझे याद आता है और बहुत अच्छी तरीके से फ्रेम्ड है मेरे दिमाग में। आज के तुम्हें पता है हॉस्पिटल कैसे, अरे मतलब 5-स्टार होटल झक मारे ऐसे हॉस्पिटल है। आई मीन व्हाट ऑल यू डोंट हैव, यू हैव गॉट बेस्ट ऑफ द एसीज, यू हैव गॉट बेस्ट ऑफ द व्हाट आई कैन से द टेलीविजन सेट्स, बराबर बराबर, अरे कहाँ आ गया प्रभु, मैं बचा मुझे इनसे। मेरा श्राप है, तुझे कभी अच्छी नर्स नहीं मिलेगी, तू जा बेटा, तू कब बीमार पड़ेगा बस तू देख लेना, नहीं मिलेगी। एनीवेज, तो अगर तुम हॉस्पिटल्स में जाओगे तो आज के तुम हॉस्पिटल्स देखो कितने ब्यूटीफुली क्राफ्टेड है। तुमको क्या लगता है डॉक्टर ऑपरेशन करते करते ये दिमाग लगाता है कि कौन सा कलर होना चाहिए, वो ये भी दिमाग लगाता होगा कि हाँ कैसे बनाने चाहिए वॉशरूम्स, कैसे क्या मैनेज होनी चाहिए चीजें, कहां पे ऑक्सीजन की पाइप होनी चाहिए, कहां पे क्या ना। आज की तारीख में चीजें चेंज हो रही है, एक बिल्डर जो हॉस्पिटल बनाने वाला है और एक डॉक्टर की चेन, ये दोनों मिलकर साथ होते हैं और एक जॉइंट वेंचर करते हैं कि चलिए ये हॉस्पिटल चलाते जॉइंट वेंचर में। कंस्ट्रक्शन का सारा काम, देखरेख का सारा काम बिल्डर देखता है, राइट, और वहां पर जो सारा मैनेजमेंट करना है ये कौन करता है बेटा जी, डॉक्टर। मतलब डॉक्टर सिर्फ सर्विसेज देगा, वो बाकी दूसरा दिमाग नहीं लगाएगा, अपनी कंडीशंस बता देगा कि हमको ये चीजें ऐसी ऐसी चाहिए, और उसका सारा का सारा मैनेजमेंट किसके थ्रू होता है बेटा जी, एक बिल्डर के थ्रू जो उसमें एक्सपर्ट है। जैसे मैं अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, इंडिया में एक्सपांशन का मैंने बताया था ना आपको, बिजनेस एक्सपांशन का, यूनिटेक, ये किसके लिए फेमस है, यूनिटेक फॉर कंस्ट्रक्शन, दे आर वेरी गुड एट कंस्ट्रक्शन। आर दे गुड एट होटलिंग बिजनेस, नहीं, मगर उनको पता चला भारत में तीन ही चीजें चलेगी, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मींस व्हाट, अरे देखो ना होटलिंग कितनी बढ़ गई आजकल, राइट, एवरी वन वॉन्ट्स टू गो फॉर एन होटलिंग, होटलिंग बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है। सो माई डियर फ्रेंड, जब होटलिंग बढ़ गई है तो यूनिटेक को लगा कि क्यों ना एक आलिशान शानदार होटल बनाया जाए, मगर उन्होंने बोला कि होटल तो मैं बना लूंगा क्योंकि मैं बिल्डर हूं, अच्छा दिमाग चलता है मेरा, मगर साला होटल बनाने के बाद मैं उसको चलाऊंगा कैसे, कि उसमें नमक मिर्ची कितना क्या पड़ता है क्या पता, और उसके बाद में चेफ को लेके आएगा, राइट, वो खाना बराबर बनाया नहीं बनाया और बीच में छोड़ के भाग गया, तो साला मैं इन्वेस्टमेंट का क्या करूं, राइट। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि हॉस्पिटैलिटी इज नॉट माय बिजनेस, जो ऑलरेडी कोई इसका क्या नाम उसका होटल का काम करते हैं, लॉजिंग बोर्डिंग का काम करते हैं, उनको पकड़ा, उन्होंने बोला कि यू आर डूइंग ए गुड जॉब, तुमको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं कि होटल मेरी, राइट, मैं बनाऊंगा, तुम उसको सिर्फ मैनेज करो, जॉइंट वेंचर, होटल पूरी इसकी, मैनेज वो कर रहे हैं, एग्रीड। तो ऐसे भी जॉइंट वेंचर होते हैं। तो देखिए अभी रिसेंटली जो जॉइंट वेंचर हुआ वो, ये केस स्टडी मैंने आपके सामने रखी, यूनिटेक विच इज सेटिंग अप टू होटल्स इन दिल्ली हैज ऑलरेडी फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर विद मैरियट इंटरनेशनल टू रन इट्स 3 न्यू होटल्स इन इंडिया। यूनिटेक क्या, यूनिटेक का एक्सपांशन होगा और मैरियट के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, बिना कुछ इन्वेस्ट किए वो आ गए। जो यूनिटेक का पावर है, जो यूनिटेक की स्ट्रेंथ है, उन्होंने वो लेके रहा है, और जो मैरियट का है
वो मैरियट का पावर लेकर आए। अब दोनों पार्टनरशिप नहीं करना चाहते अपने पूरे बिजनेस में, सिर्फ प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप चाहिए, तो वो जॉइंट वेंचर का स्वरूप लेती है। आगे देखिए, द थ्री न्यू होटल्स विल बी लोकेटेड इन कोलकाता, गुड़गांव एंड नोएडा। वी आर इन्वेस्टिंग अराउंड 700 करोड़ रुपीज टू सेटअप दिस होटल, सेज यूनिटेक मैनेजिंग डायरेक्टर संजय चंद्रा। ये केस स्टडी हुई, तो समझ में आया जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, आप वापिस पढ़ोगे सीए फाइनल में, मगर अभी जो पढ़ रहे हो ना उससे स्वरूप पूरा चेंज हो जाएगा पूरा। बट दिस चैप्टर अगेन यू आर गोइंग टू स्टडी इन सीए फाइनल, जॉइंट वेंचर पढ़ते हैं। सो जॉइंट वेंचर में बी डिस्क्राइब्ड एज टेम्पररी पार्टनरशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन विदाउट द यूज ऑफ द फर्म नेम फॉर लिमिटेड पर्पज, राइट। तो प्लीज लिख लीजिए इतनी सी लाइन और फिर मैं आपको दो लाइनें लिखूंगा, फिर आज के लिए हम खत्म करेंगे। जॉइंट वेंचर में बी डिस्क्राइब्ड एज a temporary partnership between two or more persons without the use of firm's name for limited purpose. आगे लिखिए, following points are important लिखिए। पहला वाला, co-venturer डैश करके लिखो पार्टनर, co-venturer डैश करके लिखो पार्टनर। नेक्स्ट लिखो venture सिर्फ लिखो, डैश करके प्रोजेक्ट, कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, कौन सा वेंचर है, वेंचर प्रोजेक्ट। थर्ड पॉइंट लिखो बेटा, joint venture generally does not follow going concern concept. Why? Because it is what kind of a partnership? Temporary. तो इसलिए इसमें क्या follow नहीं होता है? Going concern. तो अगर आपको ऐसा question है कि क्या follow नहीं होता है? Going concern is not followed in joint venture. Is that okay? So इसके आगे हम कल शुरू करेंगे, ठीक है? चलो प्यार से bye बोलो।